जी मेरा नाम विमला विष्णु क्या तो रिमना शिव मंदिर नेड़ी नाड़ी क्या मामला है आगे? मेरा भाई है जो काफ़ी टाइम से मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है और समझाने के बावजूद किसी की नहीं मानी थी उसने, तो मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया है और हम घर में बैठे थे तो वो आया और उसने लड़ाई शुरू कर दी तो बीच बचाव के लिए मेरे मामा जी आए तो उसने गुस्से में आकर के हवाई फायरिंग कर दी और बोला कि आज तो आप जिंदा बच गए हो और अगले टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिलोगे तो मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा, ऐसी धमकी देकर वहाँ से निकल गया और बोला कि जो थाना अधिकारी है वो मेरे दोस्त है और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लड़ाई करने की वजह क्या आ रही है? कोई वजह नहीं थी, हम तो घर में बैठे थे, शायद वो नशेड़ी है, स्मैक वगैरह पीता है, इसलिए उसने झगड़ा किया था। कब से स्मैक कब से कर? अब ये हम नहीं जानते। आप क्या करते हैं? भाई है जो टीचर है, पहले राजस्थान पुलिस में सेवा दे चुका है और अब झोटड़ा जांग हुआ किटाणी पुलिस अरे अपने है, टीचर लगा हुआ है। क्या नाम? हमने मुकदमा दर्ज तो करवाया, पर पहले मेरे मम्मी ने दर्ज करवाया था, फायरिंग का केस किया था तो पुलिस वालों ने एक बार मौके पे गए तो वहाँ मेरा फोन वगैरह मेरे भाई ने तोड़ दिया था तो पुलिस वालों ने हमें बेला फुसला के बोला कि आप एक और रिपोर्ट दे दो, तो हमने दूसरी रिपोर्ट दी तो उन्होंने फायरिंग की जो रिपोर्ट थी वो तो उन्होंने दबा दी और दूसरी रिपोर्ट जो मोबाइल तोड़ने की घटना घटित हुई थी वो उन्होंने सामने मीडिया वालों के सामने लेके आ गए। भाई का नाम राम स्वरूप विष्णु ही है जो एक अध्यापक है। मारपीट तो बहुत टाइम हो गया, लगभग 7-8 साल हो गए तब से ये झगड़ा कर रहा है। आज यहाँ मैं SP से मिलने आई हूँ और ज्ञापन देने आई हूँ कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।